हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में लमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डेवेरिस। देखिए, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डेवेरिस लगभग लमार्किज्म के 100 साल के बाद आया था 1901 में। ये म्यूटेशन थ्योरीज हम लोग से क्या बोलता है कि जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है या कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाना, डीएनए डैमेज हो जाना, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाना, ये म्यूटेशन इनहेरिटेड है। मतलब कि अगर पेरेंट सेल में म्यूटेशन हो गया तो वो म्यूटेशन ऑफस्प्रिंग में भी पास होगा। ये सब हम लोग देखेंगे, म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ ह्यूगो डेवेरिस उसका पोस्टुलेट्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज एनी चेंज इन जेनेटिक मेकअप, एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन शेप ऑफ द क्रोमोसोम, चेंज इन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए डैमेज, ऑल आर सेड टू बी म्यूटेशन। ये सब म्यूटेशन है। ये सब क्या है? म्यूटेशन है। देखिए, जो म्यूटेशन थ्योरीज है ह्यूगो डेवेरिस का, ये 1901 में आया था। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डार्विनिज्म पढ़ चुका है। डार्विनिज्म में आप लोगों को पता है कि डार्विन ने म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो उसके बाद आया म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डेवेरिस का 1901 में। देखिए, ये म्यूटेशन थ्योरी आया, ये किस बेसिस पे आया, क्या ऑब्जर्व किया था ह्यूगो डेवेरिस ने, तो देखेंगे। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इन वाइल्ड टाइप इवनिंग प्राइमरोज, एक प्लांट है ये, ओइनोथेरा लामार्कियाना, ये एक प्लांट है। तो ह्यूगो डेवेरिस ने इसी प्लांट में म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया और अपना ये म्यूटेशन थ्योरीज प्रपोज्ड किया। क्या ऑब्जर्व किए थे ह्यूगो डेवेरिस, वो देखेंगे हम लोग। देखिए, जो इवनिंग प्राइमरोज है, ह्यूगो डेवेरिस ने इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के बाद इनको जो रिजल्ट मिला, क्या मिलेगा? F1 जनरेशन मिलेगा। F1 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग थे नॉर्मल टाइप के, नॉर्मल टाइप मतलब बिल्कुल जो पेरेंट प्लांट थे उसके जैसे थे, लेकिन कुछ अलग वेराइटीज मिल गया, एबनॉर्मल टाइप उसको बोल दिया, बिल्कुल समझेंगे। ह्यूगो डेवेरिस ने इवनिंग प्राइमरोज प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन किया और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उनको F1 जनरेशन में कुछ ऐसा प्लांट मिला जो कि बिल्कुल पेरेंट का जैसा था और कुछ ऐसा प्लांट मिला जो पेरेंट से अलग था, तो उसको एबनॉर्मल प्लांट बोल दिया। अब इस एबनॉर्मल प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो यहां पर भी जो ऑफस्प्रिंग मिला वो कुछ मिला पेरेंट का जैसा, रिजेंबल टू द पेरेंट। और कुछ ऑफस्प्रिंग मिला क्या? न्यू वेराइटी। एक ऑफस्प्रिंग मिला जो पेरेंट के जैसा था और कुछ और ऑफस्प्रिंग मिला न्यू वेराइटी। फिर ऐसे ही करके इस न्यू वेराइटी का भी सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, सेल्फिंग किया गया।
यहाँ पे भी वही रिजल्ट मिला, कुछ मिला जो कि पेरेंट के जैसा था, रिजेंबल टू दी पेरेंट, और कुछ मिला न्यू वेराइटी। तो ये जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन सेल्फिंग करवाने के बाद हम लोग को ये न्यू वेराइटी क्यों मिल जा रहा है? यहां पे भी हम लोग देखे एक न्यू मिल गया, यहां भी देखे हम लोग न्यू वेराइटी मिला, यहां भी देखे न्यू वेराइटी मिला, और बहुत सारे जेनरेशन के बाद ये वाला वेराइटी और ये वाला वेराइटी, मतलब जो सबसे पहले हम लोग लिए थे, इन दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिला। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये एक अलग स्पीसीज बन गया और ये एक अलग स्पीसीज बन गया। तो यहीं पे ह्यूगो डिवेरीज ने कहा कि हम लोगों को सेल्फिंग करवाने के बाद जो न्यू वेराइटीज मिल रहा है, ये मिल रहा है ड्यू टू द चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर बदलने से हम लोगों को न्यू वेराइटीज मिल रहा है ओइनोथेरा लैमिर्कियाना का। मतलब कि क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। और यही म्यूटेशन ह्यूगो डिवेरीज ने ऑब्जर्व किया था और अपना थ्योरीज दिया था, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवेरीज इन 1901। अब देखिए क्या मेन पोस्टुलेट्स है म्यूटेशन थ्योरी का। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ ह्यूगो डिवेरीज? मेन पोस्टुलेट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी का? और सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट्स, देखिए ये जो भी हम लिख रहे हैं सब एनसीईआरटी में मेंशन है और सब इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन थ्योरी में आपको यही लिखना है एग्जाम में। सबसे पहला, म्यूटेशंस आर दी inheritable changes, mutations are the inheritable changes in genetic material, मतलब कि जो म्यूटेशन है वो इनहेरिटेबल है। मतलब अगर पेरेंट में म्यूटेशन है तो वो ऑफस्प्रिंग में भी म्यूटेशन देखने को मिलेगा। म्यूटेशंस आर द इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज हो गया तो वो इनहेरिट होगा, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। दूसरा, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इज म्यूटेशन। इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है। ये सेकेंड पोस्टुलेट्स है। थर्ड पोस्टुलेट्स, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। फोर्थ पोस्टुलेट्स, इट मे अकर इन एनी डायरेक्शन, इट कैन बी पॉजिटिव म्यूटेशन, नेगेटिव म्यूटेशन और न्यूट्रल। पांचवा पोस्टुलेट्स, पॉजिटिव म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, सिक्स्थ पोस्टुलेट्स, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन आर कॉल्ड एज सॉल्टेशन, ये छह पॉइंट आपको म्यूटेशन थ्योरीज में याद रखना है। ये मेन पोस्टुलेट्स है ह्यूगो डिवेरीज का। फर्स्ट, म्यूटेशंस आर द इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इज म्यूटेशन, mutations are random and discontinuous, it may occur in any direction, can be positive, negative or neutral mutation, positive mutations are selected by nature, 6th
सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन आर कॉल्ड एज सॉल्टेशन। तो ये था आपका म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ ह्यूगो डी बेरी। क्या एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनिजम्स के जो कि म्यूटेशन से इवॉल्व हुए हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वॉज इवॉल्व दैट्स इवॉल्व थ्रू म्यूटेशन। पहला एग्जाम्पल एनकॉन सीप, दूसरा एग्जाम्पल हेयरलेस कैट, तीसरा एग्जाम्पल हॉर्नलेस कैटल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट्स इवॉल्व थ्रू म्यूटेशन, दैट इवॉल्व थ्रू म्यूटेशन। तो ये था आपका म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ ह्यूगो डी बेरी। देखेंगे आप लोग, हम लोग बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले लमार्किज्म पढ़े। लमार्किज्म थ्योरी क्या बोलता है कि ऐसा कैरेक्टर जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं, जो हम लोग अपने माता पिता से नहीं मिला है, जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में खुद से एक्वायर्ड करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। जिसका एग्जाम्पल क्या लिया था, लॉन्ग नेक जिराफ का। जो जिराफ था वो पेड़ में लगी पत्तियों को खाने के लिए अपना जो गर्दन है उसको खींचता रहता था और नेक्स्ट जनरेशन में वो स्ट्रेचिंग वाला जो प्रॉपर्टीज है नेक के जिराफ का, जिराफ के नेक का, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया, जिससे कि हमको आजकल जो जिराफ मिला आज के डेट में वो लॉन्ग नेक वाला जिराफ मिला। ये बोलता है लमार्किज्म। डार्विन्स का दो पॉइंट था, एक था नेचुरल सिलेक्शन, एक था ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन मतलब वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा, और ब्रांचिंग डिसेंट मतलब जो इवोल्यूशन है वो ब्रांचिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी बेरी। अगर आप लमार्किज्म को डार्विनिज्म का नजर से देखें तो आप क्या बोल सकते हैं कि देखिए, जैसे लमार्क ने क्या कहा कि इन एन अटेम्प्ट टू रीच द वेजिटेशन ऑन ट्रीज जिराफ कंटिन्यूअसली स्ट्रेच देयर नेक्स एंड द स्ट्रेचिंग नेक कैरेक्टर इज पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन रिजल्टिंग इन द टूडेज लॉन्ग नेक्ड जिराफ। ये लमार्किज्म है। लेकिन अगर आप इसको डार्विनिज्म के नजर से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि देखिए, डार्विन का क्या था, वेरिएशन होता है ऑर्गेनिजम्स में। जैसे हम लोग ह्यूमन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, काला है, गोरा है, लंबा है, बौना है, ये वेरिएशंस है। तो वही डार्विन का कहना था कि लमार्क के समय भी जो जिराफ होगा, कोई लंबा जिराफ होगा, कोई छोटा जिराफ होगा। अब जो लंबा वाला जिराफ है वो पेड़ से पत्ता खाने लगा, और पेड़ से पत्ता खाने लगा मतलब उसको फूड मिलने लगा, तो वो अब सर्वाइव करेगा। सर्वाइव करेगा मतलब क्या करेगा, अब रिप्रोड्यूस करेगा। अब लॉन्ग नेक वाला मेल पत्ता खा रहा है, लॉन्ग नेक वाली फीमेल पत्ता खा रही, अब दोनों के बीच रिप्रोडक्शन होगा, तो जो नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा, लॉन्ग नेक ही बनेगा। तो ये डार्विनिज्म का व्यू है, अगर आप डार्विन के नज़र से लमार्किज्म को देखें तब, कि मतलब पहले ऐसा नहीं है कि सारा जिराफ छोटा होगा, उसमें से कुछ जिराफ लंबा होगा, कुछ जिराफ छोटा होगा। जो लंबा जिराफ था वो पत्ता खा पा रहा था, और जो छोटा जिराफ था वो पत्ता नहीं खा पा रहा था, इसीलिए लंबा वाला सर्वाइव किया तो रिप्रोड्यूस किया तो लॉन्ग नेक जिराफ का जन्म हुआ। तो ये था डार्विन, लमार्किज्म डार्विन की नज़र से, और ये म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरीज ऑफ ह्यूगो डी बेरी। ये क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिजम्स में जो म्यूटेशंस हो गया, मान लो कोई जीवी जेनेटिक चेंज हो गया, तो वो इनहेरिट होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब इवोल्यूशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो अगर आपको ये होप आपको ये सारा कुछ समझ आया, लमार्किज्म डार्विनिज्म म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी बेरी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स ऑल।